मंगलवार को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार छात्रों को यातायात के संबंध में यातायात नियमों और संकेत की जानकारी मारवाड़ इंटर कॉलेज में दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आरएन गुप्ता सहित अन्य शिक्षकगण और छात्र मौजूद रहे। विद्यालय में छात्रों को TSI जगनारायण ने यातायात नियमों और संकेतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सड़क पर चलते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में छात्रों को बताया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्यालय के छात्र ने यातायात नियमों के बारे में कहा। वैसे भी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा हर वर्ष यातायात जागरूक में साइकिल चलाता रहता है सड़क पर, और इधर उधर से बचने वाला भी मजबूरी में आपको कभी कभी ठोकर मार देता है। इसके अलावा आपके घर परिवार में तमाम लोग मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हैं, उनको हेलमेट लगाना चाहिए। आप लोग अगर जिद करेंगे तो आपके माता भाई सब लोग इस तरह का कार्य करेंगे। हम लोग 1 माह से 30 नवंबर तक हेलो तो यातायात प्रचार प्रसार का काम करते हैं। इधर सरकार द्वारा दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर नवयुवकों की बगैर हेलमेट के कारण मृत्यु हुई है और घायल हुए हैं। इसी के क्रम में आपके विद्यालय में हम लोग आए हुए हैं ताकि यातायात के बारे में, उसके संकेतों के बारे में, उसके महत्व के बारे में हम आपको जानकारी दें। देखिए, यह सभी बच्चे अपने साथ बैग लेके आए हैं, लेकिन इन्हीं के माता पिता, इन्हीं के भाई बंधु साथी जब मोटरसाइकिल लेके चलते हैं तो उसके साथ हेलमेट नहीं लेते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि इन बच्चों से हमें सीखने की ज़रूरत है कि बच्चा विद्यालय जा रहा है, अपने बैग को बोझ नहीं समझता है और विद्यालय ले जा रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक है। हम लोग मोटरसाइकिल लेके चलते हैं तो लापरवाही के कारण, बोझ के कारण हेलमेट नहीं लेके जाते हैं, जिससे कब बहुत से बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे महत्वपूर्ण आपको बताएं कि कान में जो नीड लगाकर चल रहे हैं, अभी इतनी बड़ी दुर्घटना जो कि कुशीनगर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास जिलों में भी, गोरखपुर सहित आसपास जिलों में भी लोगों का हृदय कांप गया। अभी भी मैं देखता हूँ कि मोटरसाइकिल कार चलाते हैं, कान में नींद लगा के चलते हैं, इससे सीख नहीं रहे। इसके मतलब कि आप कानून का सही रूप से पालन नहीं कर रहे, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे। यातायात नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो घटनाएँ हुई हैं वो घटनाएँ नहीं होंगी। बच्चों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये संदेश आपके माता पिता को जाएगा। कभी भी आपके वाहन हो, जैसे बस में बच्चे सवार होकर स्कूल जाते हैं, अगर कान में नींद लगा के ड्राइवर चलाता है तो आप लोग एक सवर में जब तुरंत ही चलते हैं, गाड़ी बैठते हैं, कान में नींद लगाया है उसको आप रोकिए, उसको बताइए कान में से नींद लगाइए, निकाल दीजिए, तभी मैं विद्यालय जाऊँगा। उसको रोकना होगा आपको। अगर वो बच्चे थे थोड़ा सा इसमें ध्यान दिए होते, उसका कान गली लीज के बाहर निकाल देते, इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। इसे ध्यान देने वाली बात है। कभी भी रोड पर चलते हैं कान में नींद ना लगाइए। गली कूचों से रोड पर आते हैं, नए बच्चे हैं, नए लड़के, तेज गति से, एक इतना तेज गति से रोड पर आते हैं कि इधर से पीछे आने वाला व्यक्ति खुद ही घबरा के गिर जाता है या रोड में लग जाएगा। तो गली कूचों से आने पर आप अपने गाड़ी को स्लो कर लीजिए और दाहिने बाएं देख लीजिए, कोई बाहर नहीं आ रहा है, आप रोड पर चले जाइए। यातायात नियमों के बारे में क्या सीखा आपने इसे? हमने सीखा कि सबको गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि हेलमेट पहन के, लाइसेंस, तेज नहीं गाड़ी चलाना चाहिए, टेढ़े मेढ़े गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, या सबको अपने घर वाले सबको बताना चाहिए। हमको क्या नाम है? राहुल। राहुल, अभी क्या सीखे हो?
हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने घर पे जाकर जो बाइक चलाते हैं कार चलाते हैं उनसे कहना चाहिए कि अरे अब कार पे हेलमेट लगाएं और बाइक चलाने के समय हेलमेट लगाएं और हेडफोन का यूज ना करें बाइक चलाने के समय। बस इतना ही कहना चाहते हैं। मेरा नाम आयुष है और गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाना चाहिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना चाहिए। घर पे जाके बताओगे सबको? हाँ, सबसे कहेंगे।